अगर आपके पास भी आधार कार्ड है, या फिर आप टैक्स भरते हैं, या फिर आपने बैंक में खाता खुलवा रखा है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से 6 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जो पूरे देश में मान्य होंगे। साथ ही नियमों से देशवासियों पर भारी जुर्माना भी पड़ने वाला है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। एक एक नियम के बारे में बताया जाएगा, किस नियम से क्या हानि है, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। यानी कि इस वीडियो से आपको तमाम जानकारी दी जाएगी जो कि सभी देशवासियों को पता होना चाहिए कि सरकार किन नियमों में बदलाव करने जा रही है, कौन से नियम सरकार बदलती है और किन नियमों से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। यह सभी बातें देशवासियों को पता होना अति आवश्यक है। अब चलिए जानते हैं एक नियम के बारे में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 से 6 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे देशवासियों की जेब पर भारी असर पड़ सकता है। हर महीने में कोई ना कोई बदलाव सरकार लेकर आती है। इसी के मद्देनज़र अगले महीने से भी, यानी कि अक्टूबर महीने से भी कई बड़े बदलाव हो जाएंगे, और यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स बैंक, यानी कि पूरे 6 बड़े नियम बदल जाएंगे, जिसका सभी देशियों पर भारी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन नियमों का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वह भी आप जान पाएंगे, और कौन कौन से नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है, चलिए एक नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम है आपका डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, यानी कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने जा रही है, यानी कि शुरू होने जा रही है। यह स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है, यानी कि अगर आपका भी टैक्स पेंडिंग में है तो इस स्कीम के जरिए आपको मौका मिल सकता है पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए। इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। वहीं विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सोल्व करने, यानी कि हल करने से संबंधित है। आपका जो भी टैक्स पड़ा होगा, यानी कि आपने अगर अपना टैक्स या फिर आपका टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वह उसकी जो भी समस्या होगी उसे निपटाने के संबंध में इस योजना को लाया जा रहा है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके तहत वे टैक्स पेयर आते हैं जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष टैक्स ब्याज दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्धारित करती है। जो टैक्स पेयर 1 अक्टूबर 2024 या 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क भुगतान करना होगा। हालांकि जो व्यक्ति 31 अक्टूबर 2024 के बाद यह निपटान करते हैं, तो उन्हें विवाद कर राशि 110%, यानी कि 110% या ब्याज या जुर्माने का शुल्क 30% भुगतान करना होगा। वही नियम नंबर 2, अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है, हालांकि आधार कार्ड आप सभी व्यक्तियों के पास है, बच्चे के पास आधार कार्ड है, यह आधार कार्ड एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। चाहे वह आपका बैंक अकाउंट खुलवाना हो, एडमिशन कराना हो बच्चे का, या फिर आप किसी योजना में आवेदन करते हैं, किसी योजना में लाभ लेते हैं, तो सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड ही मांगा जाता है। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के
बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार अधिनियम की धारा 139 AA के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आय रिटर्न में आधार का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वहीं नियम नंबर 3 STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेनदेन कर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। खास तौर से एक्टिवी यानी कि एक्टिविटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से मिले इनकम पर लाभार्थियों की टैक्स योग्यता आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा विकल्प बिक्री पर STT प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा। अब नियम नंबर 4 फ्लोटिंग यानी कि TDS रेट्स। देखिए, साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था। खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित इसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल है और 1 अक्टूबर 2024 से यह प्रभावी होगा। इसके तहत बॉन्ड पर 10% का TDS लागू होगा। इसके अलावा नए TDS नियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल है, और अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपये से कम हैं तो TDS नहीं काटी जाएगी। ठीक है, TDS को लेकर यह नियम बदलने जा रहा है। यहाँ पर बताया है कि TDS वाले तभी कटा सक पाएंगे जब आए 10,000 रुपये की सीमा के पार होंगे, इनकी अधिक होंगे। वहीं नियम नंबर 5 TDS रेट्स। यहाँ पर TDS रेट आप देख सकते हैं, धारा 1900 आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि धारा 19 DA 194H 194IB 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की रेट कम कर दी गई है। इन धाराओं के लिए पहले 5% जगह अब कम की दरें 2% है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS की दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। अब यहाँ पर आप धाराएं जो हैं इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर इसको वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपकी यह काम के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 शेयर बायबैक। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नियम लागू होगा। अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। यह परिवर्तन कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा, जो बायबैक रणनीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावी करेगा। तो 1 अक्टूबर, जी हाँ, 1 अक्टूबर 2024 से यह
रूल बदलने जा रहे हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।